साइकिल चाहिए। इसके लिए कोई गारंटर लेकर आओ। कहा ना किसी को लेकर आओ, बार बार मारने से क्या फायदा। अरे वो कह रहा है ना किसी जान पहचान वाले को लेकर आओ, अनजान लोगों को साइकिल कैसे दे सकते हैं। काशी वासु कब आया तू? जेल में तुझसे मिलने नहीं आ सका, दरअसल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। देखो जो होना था हो गया, तुम जल्दबाजी मत करना, आराम से सब देख लेंगे। हाँ हाँ हे चाचा लेकर आ, चल बैठ। मैं यहां बैठने के लिए नहीं आया। वासु उन्हें तू साइकिल पर जाकर नहीं देख सकता, तू उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, अब वो राजनीति के बहुत बड़े आदमी हो गए हैं। जानता हूं, फिलहाल दोस्तों से मिलना है। तुम्हारे दोस्त सब सेटल हो गए, सब काम पर जाने लगे हैं, अब वैसा कुछ भी नहीं रहा। चलो चलते हैं। ए काशी तुम यहाँ कैसे, ठीक हो ना? कोई खास काम है क्या? आओ अंदर आओ। आओ अंदर आओ। क्या हुआ? वो अपना वासु आया है। कहाँ है, कब? सुबह आया, यही है। काशी उसे घर में मत बुलाना, उसको वहीं रुकने को बोलो, मैं खुद आकर उससे मिल लूंगा। पापा चलिए। जब तक तुम बाहर नहीं आ जाते मैं शादी नहीं करूंगा, बच्चे भी पैदा नहीं करूंगा। वासु तुम बुरा मत मानना, समझने की कोशिश करो, जब वह उसे भूल जाओ उसे एक बुरा सपना समझना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सुनिए दोपहर को घर आएंगे या खाना भिजवा दूं? आ रहा हूं। वासु बीता हुआ समय वापस नहीं आने वाला, जो होना था वो तो हो गया, ऐसा सोचना हमारी किस्मत में यही था, एक बुरा सपना समझकर तुम इसे भूल जाओ और खुद पर काबू रखो। मैं नहीं जानता था दोस्त कि तुम अपने परिवार के साथ सेटल हो गए होगे। ठीक है अब तुम्हारे घर कभी नहीं आऊंगा। काशी चलो। वासु मेरा ये मतलब नहीं था। वासु चलो। काशी काशी वासु वासु क्यों भाई, रामेश्वरम के लिए दो टिकट बोला था, वो मिल गए क्या? मिल गए, कल दो टिकट मिल जाएंगे, 20 तारीख को पक्का रामेश्वरम में ही होंगे। आप कह रहे थे आपकी तबीयत ठीक नहीं, अब कैसी है? चलो ठीक है। काशी तुम यहां और इस समय क्या बात है? अरे बोलो ना कौन है। अरे वासु तुम कब आए, यहां क्यों खड़े हो, अंदर आना था ना। अब तुम ये मत पूछ लेना कि क्यों आए हो। ए क्या बोल रहे हो, मैं हमेशा तुम्हारी बात करता हूँ, लड़कों से भी पूछता रहता हूँ। काशी देखो ना ये क्या बोल रहा है, अब पहले इसके रहने का इंतजाम करो। हाँ। तुम जाकर आराम करो, अगर जरूरत पड़ी ना तो नौकरी का इंतजाम भी कर देंगे, तुम चिंता मत करना। इस झगड़े फसाद का बदला तो मैं लूंगा ही, मैं चुप बैठने वाला नहीं हूँ,
उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। मैं भी जल्दी अंदर आता हूं। वासु, खर्चे के लिए ये पैसे रख लो, बाकी बातें बाद में करेंगे। हाँ? काशी चलते हैं। अरे अंदर तो आओ। चलो काशी। रवि यहीं पर कहीं रहता था, पता नहीं कहाँ चला गया, पर उसे ढूंढ लेंगे हम लोग। नहीं, किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं, अब बहुत हो गया। चेन क्यों खींची? तो क्या हो गया? तुम लोग भी ना कमाल करते हो, जानते नहीं ये कानून के खिलाफ है। वासु, चेन हमारे हाथ में, रुकने के लिए कहेंगे तो रुकेगी, चलने के लिए कहेंगे तो चलेगी। और फाइन कौन भरेगा? हम लोग सीनियर्स हैं यार, ये काम जूनियर्स करते हैं। अच्छा, जो हमने झेला वो इन्हें भी झेलना पड़ेगा क्या? मेरी बात सुनो, हमारे ग्रुप में कोई जूनियर सीनियर नहीं है, समझ गए? हम सब एक है। उमेश लॉक खोल, चल। सॉरी बोल। सॉरी यार, इट्स ओके। जूनियर को छोटा सॉरी बोलेगा? अच्छे से सॉरी बोलना। सॉरी नहीं, ठीक है। देख बुरा मत मानना, इनकी तो आदत है मस्ती करने की, ये गाना भी अच्छा गाते हैं। अब अपने दिल को दरिया जैसा कर और इन्हें माफ कर दे। जी ठीक है। ए, चल शुरू हो जाबे। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा के फिर उड़ ना पाया। लूटा लूटा उसने मुझको ऐसा लूटा के फिर जुड़ ना पाया। अल्लाह के बंदे हंस ले, जो भी हो कल फिर आएगा। जो भी हो कल फिर आएगा। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा के फिर उड़ ना पाया। सर, इससे अच्छा तो आप मेरी रैगिंग ही कर लेते। सर कर लो बात, थोड़ी सी ढील क्या दी, ये तो सर पे ही बैठ गया। ए, ताल बदल दिया जा।
सच्चे हैं भैया, अब उनसे पंगा मत लेना वरना फटके झटके खाए क्या। यार कहीं रुक जाते हैं, चलते रहो। अबे सुनना, बारिश में भीगने से तबीयत खराब हो जाएगी, चल रुक जाए यहाँ पे। आइए 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 आइए, अंदर आ जाओ। हाँ जी नमस्कार। आइए आइए आइए, अंदर आइए। बारिश हो रही है इसलिए। बारिश से बचने के लिए आए हो तो अच्छे से बचो, नहीं तो यहाँ आने का कोई फायदा नहीं। आइए, आप ही देर से आएंगी तो कैसे चलेगा, घर में एक छोटा सा फंक्शन है। बहुत मजा आएगा देखने के लिए। जा रहे हैं, खाना खा लो ना। अच्छा तो तुम लोग इसी कॉलेज में पढ़ते हो? जी, मैं भी इसी में था, 65 के बैच में। पढ़ के नौकरी पे नहीं गया, घर पे ही काम करने लगा छोटा मोटा। मेरी दो बेटियां हैं, बड़ी बेटी को देखने के लिए आ रहा है और छोटी बेटी स्कूल गई हुई है। नमस्कार। आइए आइए आइए, बैठिए आइए। पिछले कुछ सालों में मैंने ऐसी बरसात नहीं देखी। 1985 में विजयनगर गया था, इसी तरह की बरसात। हमारे शेखरपुरा के पंडित जी थे, मैं उनके घर में जाके ठहर गया। बारिश के बाद घर आने तक जान में जाना। लीजिए कॉफी। कॉफी कॉफी, हम ठीक हैं। कॉफी लीजिए, बरसात में कॉफी पीना अच्छा लगता है। किरण, 5 कप कॉफी लाना। हाँ, आइए 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 आइए, अंदर आइए। ये बुढ़ा पागल है क्या, अनजान लोगों को कॉफी पिला रहा है? दुनिया में ऐसे लोग हों तो बारिश का मजा कुछ और ही होता है। अरे बाप रे। इस तरह भीग के आने का क्या मतलब था, कहीं रुक जाना था। कहाँ रुकती, आप ही ने तो कहा था कि वो लोग 5 बजे आ रहे हैं। चलो अच्छे से सर को पहुंचो, जाओ। क्या कहा? अरे यार, अरे वासु, कॉफी तो ले ले यार। पकड़ो। बहुत अच्छी लग रही है दीदी, मुझे लड़का बहुत पसंद है, बहुत अच्छा है वो। अरे तुम क्या बोल रही हो, कहाँ देखा उसे? अरे देखो ना, खिड़की के पास रेड कलर की शर्ट पहने हुए है ना, वही। ये क्या बक रही हो, वो बरसात से बचने के लिए आए हैं, लड़के वाले अभी आए नहीं हैं, कहीं बारिश में फंस गए होंगे, आने के बाद मेरी जान खाएंगे वो लोग। हाँ।
रहने दीजिए। मेरी ले, 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 ले। I like it. Coffee. देख कर नहीं चल सकती हो क्या? देखना, बारिश कम हो रही है। चल चलते हैं। ए, चुप कर। मुझे नहीं लगता बारिश रुकने वाली। ये तो ऐसा ही कंटिन्यू रहने वाली। हमें पता है, अब तो ये कंटिन्यू ही रहेगी। क्या कंटिन्यू होगा? बारिश। ए, अबे चलना। अबे आगे जाएंगे तो फंस जाएंगे। यहाँ भी तो फंसे ही हैं। हम लोग तो पहले ही भीगे हुए हैं। अब रुकने से क्या फायदा? देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलना है तो चलो। हाँ चलो चलो। वही तो मैं भी कह रहा हूँ। चलो। मेरी। अब चलो ना भाई। बारिश इतनी तेज है। हाँ चलो चलो। अच्छा मैं भी जानता हूँ। अच्छा अरे अरे दिनू गिर गया। अरे बाबा हाँ ठीक है ना। ठीक है क्यों दिनू सब काम खुद ही करते हो? अरे एक आदमी क्यों नहीं रख लेते? गिर गए ना। गिर गए तो खुद ही उठना चाहिए। इसके लिए एक आदमी रखेंगे क्या? तुम्हारी तरह मैं नहीं हूँ जो बाप दादा ने मेरे लिए जायदाद छोड़ी है। मुझे तो अपना काम खुद ही करना पड़ेगा। कल मेरा बेटा पढ़ लिख कर नौकरी पर जाएगा तो मैं तुम्हारी तरह इसी जगह पर बैठकर मैं भी सुबह से शाम तक इसी तरह गप मारता रहूंगा। लीजिए अब सुनिए आज के मुख्य समाचार। आज देश के वार्षिक बजट सत्र का पहला दिन था। क्यों भाई दीनू, तुम पेपर तो रोज लेते नहीं हो और रेडियो पर भी खबर सुनने नहीं देते। तुम्हें राजनीति पसंद नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी ना सुने। पीछे दीवार पर क्या लिखा है पढ़ो, तुम्हारे लिए ही है। तुम लोग चाय की दुकान और बार्बर शॉप पर बैठकर राजनीति की बातें करते हो। चाय पीकर तुम लोग चुपचाप यहाँ से चले जाओ। जाओ जाओ। एक चाय देना अंकल। बाबा ये क्या? जो पैसा जमा था उसी से बनवाया है। लो इसे पहन लो। अंगूठी किस लिए? मुझे नहीं चाहिए बाबा, रहने दीजिए ना। हे, फाइनल ईयर की तैयारी कर रहे हो, पहन लो। बाबा बहुत ढीली है ये, मुझे नहीं चाहिए। हे हे, क्या ढीली है? नाप लेकर ही तो बनवाई थी मैंने। लो पहन लो। कौन सी उंगली का नाप लिया? ये वाली उंगली का। दिखाइए ये वाली ना। हाँ। ए, 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 ये क्या कर रहा? इस वाली उंगली में, उस वाली उंगली में नहीं, इस वाली उंगली में। हे, हे, रुकिए तो। मैंने कहा ना। अच्छी लग रही है, रहने दीजिए। जी, इसी हाथ से झूठे ग्लास धोना है। मुट्ठी पहना गया, उतर भी नहीं रही है। ए, यहाँ किसका इंतजार कर रहा है? क्लास का टाइम हो रहा है, चल ना। क्या बकवास कर रहा है तू? चुप कर। पता नहीं क्या बात है, पागलों की तरह खड़ा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हो गया इसको? ए, तेरे चक्कर में आधा पैकेट सिगरेट खत्म हो गया है। अच्छा तो तू उस बारिश को फॉलो कर रहा है? मैं जानता हूँ लड़की के पीछे ही जा रहा है। किसी भी लड़की का पीछा करना मेरी आदत नहीं है, इसलिए आगे से लेफ्ट लेकर सामने से। उसकी क्या जरूरत है? अबे चुप कर, देखता जा।
तू उतर जा। ठीक है। अरे चल। अरे यार तेरा गणित तो बिगड़ गया। ए, चल तू नीचे उतर। अरे अबे एक नंबर का पनौती है तू, उतर नीचे। मनोज कहीं का बोल तो ऐसे रहा है जैसे मैंने गरज की थी साथ आने के लिए। उसने मुझे दो बार मुड़कर देखा। हाँ मैंने भी देखा। पहली बार हवा है क्या ये देखने के लिए और दूसरी बार किताबें है क्या देखने के लिए और तुम्हें लगा कि तुम्हें देखने नहीं मानेगा ना। तू नहीं मानेगा ना। अबे प्यार की आग अभी तक जली नहीं और तू बुझाने के चक्कर में। हाँ ए, फिर से एक बार पलटेगी तो मान लेगा ना। हाँ पलटेगी तो देखेंगे। सत्याना दिल पर मत ले, लाइफ में ये होता रहता है। मनहूस। ए साइकिल उठा, काशी भैया की दुकान चलते, चाय पीते, फिर वहां से घर चले जाएंगे। मैंने कहा था ना। ए चुप कर। ये काशी भैया की है। हे, आज के बाद साइकिल किसी को दी ना तो चप्पल से मारूंगा। पूजा पूजा अलग करके दिया है। कौन पूछ कर लेकर जाता है, सब अपनी मर्जी से लेकर जाते हैं। पुर्जा पुर्जा पड़ी थी, मरगार्ड पर हमारी दुकान का नाम लिखा था, ये देखकर उठा लाया मैं। ये सब लड़के मुझे तो टपोरी लगते हैं। कॉलेज तो जाते नहीं, यहाँ आकर बैठ जाते हैं और मुझसे चार सिगरेट मंगवाते हैं। इतना ही नहीं मुझ पर हुकुम चलाते हैं। यह कोई भी कभी भी कॉलेज नहीं जाता, ये सब आपके लाड़ प्यार का नतीजा है। मेरे हवाले ये दुकान कर दीजिए, फिर देखता हूँ कैसे कोई हाथ लगाता है। हाँ। ए, पहले तो बेंच उठाकर अंदर रख दो, देखता हूँ अब कौन यहाँ बैठता है। आज तो काशी बहुत लगने वाला है। हाँ, वही तो, और क्या। बेंच उठाकर मैंने अंदर डाल दिया है, आज के बाद यहाँ कोई नहीं बैठेगा। हाँ। अपना काम कर। काशी साइकिल को क्या हुआ? ए, इस पर से हाथ हटा। मैंने पहले ही कहा था इतनी जोर से साइकिल फेंकी कि वो ऊपर से नीचे आ गई ना, वही बड़ी बात है। ऊपर से पूछ रहा है कि क्या हुआ, इसलिए ऐसे लड़कों को मना किया था साइकिल देने के लिए। साइकिल के सभी पुर्जे मिल गए ना भैया? मजाक कर रहा है, मेरे साथ मजाक कर रहा है। सुन, आज के बाद इधर कोई नहीं आएगा। अगर मुझे परेशान करोगे तो तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। इस लड़के से पिटवाऊंगा तुम सबको, समझ गए? ए,
बेंच निकाल कर बाहर रख। हैं? बेंच निकाल के बाहर रख। मुझे पता था ये होने वाला है, इसलिए मैं आपकी बातों में दखल अंदाजी नहीं करता। ए, रुक जा। बेंच को हाथ लगाया ना तो दूंगा कान के नीचे। हमारी भी कोई इज्जत है यार। ए, उठाना। ये साइकिल यहाँ कैसे आई? ए, एक तो साइकिल फेंक कर तोड़ दी, ऊपर से भैया को परेशान कर रहा है। अबे चुप्पे, ये तो उसी की साइकिल है। उल्लू की तरह लटकी हुई है, फिर भी पहचान गया कि ये उसी लड़की की साइकिल है। कहीं उसने भी तुम्हारी तरह फेंक तो नहीं दी थी साइकिल को ऊपर? थोड़ी देर के लिए चुप रहेगा भैया, प्लीज भैया बताइए ना, साइकिल यहाँ कौन लाया? तो चुप रहेगा? बताइए ना भैया, इस साइकिल को क्या हो गया? बताइए ना कब आई थी वो, इसे लेने कब आएगी वो? बताइए ना कब आएगी। ये तो मेरा काम है, मेरी साइकिल है, इसके लिए परेशान मत होइए आप। जल्दी से उस साइकिल को ठीक कर दीजिए ना प्लीज। सुनिए ना, सुनिए प्लीज, ग्राहक तो भगवान होता ना। भैया देखो ना कितना गिड़गिड़ा रहा है, बता दो तू क्या इसकी सिफारिश कर रहा है। भैया 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 प्लीज प्लीज भैया, इसे बना दीजिए ना जल्दी से। उतारो उसको। ये रहा भैया। अरे अरे आराम से आराम से, लड़की की साइकिल है, जरा आराम से, फूलों की तरह नाजुक होती है साइकिल। फूल की तरह? हाँ भैया। ये तू बोल रहा है? भैया कीजिए ना, जरा जल्दी कीजिए ना। कॉपी ऐसी क्या करती है? मैं कल दे दूंगी बाबा। हाँ कितना हुआ? 85 रुपए हुए। ऐसे इधर ला। ये कैसा सिग्नल है भैया? ऐसे सिग्नल पुराने फिल्मों में दिए जाते थे। कंठी धारण किए हुए हूँ इसलिए नाम नहीं बोल रहा हूँ। कल कहाँ गए थे? तूने जो कहा बिल्कुल सही बात है। कल से दिखाई नहीं दिया, कहाँ गया था? आजकल कॉलेज का बात है, स्कूल में ही घूमता रहता है, थोड़े दिन में यूनिफॉर्म भी पहनने लगेगा। चुप कर, कॉलेज में इलेक्शन है और हमने फैसला किया है इस बार तू खड़ा होगा। तेरी बात ये लगे यार,
तू खड़ा होगा तो पक्का जीत जाएगा। हाँ यार, हम लोगों का इतना बड़ा सर्कल है, तू इलेक्शन लड़ेगा तो जरूर जीतेगा। मजाक कर रहा तू? सुनो, ये सब मुझसे नहीं होगा, मेरे बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं है, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ यार। ये इलेक्शन विलेक्शन के चक्कर में मैं नहीं पढ़ना चाहता यार, मुझे माफ कर दो भाई, मैं चलता हूँ। डरने की कोई बात नहीं है, पिताजी को कैसे पता चलेगा? पोस्टर लगाने वाले कॉलेज में, उनके देखने का चांस ही नहीं है। और यार इतना ही नहीं, अगर पिताजी को पता चला कि तू जीत गया तो वो खुश हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है यार। हाँ। अपने आइडिया अपने पास रख, ये मेरे बाबा को मुझसे ज्यादा जानता है। सुन ले, ज्यादा भाव मत खा, तू अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझता है। ए, आज के बाद इसके पास कोई नहीं जाएगा, तेरे को कोई परेशान नहीं करेगा। अरे पापा, अगर दोस्ती रखनी है तो चुनाव लड़। मुझे यहां बुलाकर तुम इस तरह गोल गोल घूम रही हो? हाँ, अरे बात क्या है, रुको तो सही। ए, ये क्या है? क्या हुआ? आज की बात मेरे स्कूल मत आना, किसी को पता चल गया तो मुश्किल हो जाएगी। तो यही बात बताने के लिए तुमने मुझे यहां बुलाया, ठीक है, आज के बाद मैं नहीं आऊंगा, चलता हूं। क्या हुआ, क्या मैं नहीं जाऊं? तो क्या मैं यही रुक जाऊं? अब समझ में आया, जो कहना है घंटी बजा कर नहीं, मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो। मेरी बात सुन, जहां तक हमारे डिपार्टमेंट का सवाल है शेखर, एक मिनट, मैं तुमसे बात करनी है। कहो। इनके सामने नहीं, अकेले में। हाँ हाँ बोलो। मैं कॉलेज में आया हूं इलेक्शन लड़ने के लिए, मेरे पिताजी एमएलए हैं, इसलिए अगर मैं चेयरमैन का इलेक्शन जीतता हूं तो मेरा फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, इसलिए
तुम्हारा चुनाव लड़ना मेरे लिए प्रॉब्लम है, किसी और से मुझे कोई परेशानी नहीं है। क्या बात है, क्या बोल रहा है ये? नहीं ऐसी बात कर रहे हैं ना? कोई बात नहीं, मेरा फ्रेंड है ये। चलो बोलो। सेम डिपार्टमेंट से खड़े होंगे तो वोट कटेंगे, नाम वापस ले लो तो अच्छा होगा। नहीं देख, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मेरा अकेले का फैसला नहीं है, लड़कों ने मिलकर ये फैसला किया, मुझे लड़कों से बात करनी होगी। क्यों भैया, वो क्या बोल रहा है, उसे क्या बातें कर रहे हो बेकार में? ए, क्या बोल साले? क्या है रे? लड़कों ने पी रखी है इसलिए। क्या कहते हो? कहा ना, बात करके बताता हूं। देख रहा था ना मैं बात कर रहा हूं तो तू बीच में क्या बोला? हाँ ए, तू कौन है रे? हाँ तीस मार खाए क्या? कौन है रे? कहाँ से आया तू? दादा बनने चला है? दांत तोड़ दूंगा। चल तोड़ दिखा। चल चल। एक मिनट, मैं इलेक्शन लड़ूंगा, अब बात करने का मौका तो खो चुका। बहुत सही किया तूने। वेरी गुड यार, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा वासु, गुड, वेरी गुड। चल वासु, पोस्टर हर जगह लग चुके हैं, उस लड़की के घर के सामने भी लगा दिया है। क्या बक रहा है? हर गली के हर दीवार पे सिर्फ तू ही तू है भाई। ऐसा क्यों किया यार? बाबा पोस्टर देखेंगे ना तो कहानी खत्म हो जाएगी। वो देख मेरे बाबा, पोस्टर वहां से हटा। चल 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 चल। अबे पोस्टर वहां किसने लगाया? पोस्टर पागल हो गए हो क्या? मुझे क्या वहां वो लड़की देखे इसलिए लगाया था? यहाँ क्या मेरे बाबा को दिखाने के लिए लगाया था? मरवाओगे यार तुम मुझे। मैं जहाँ जहाँ पोस्टर लगा रहा हूँ तू उसके ऊपर अपना पोस्टर लगा रहा है साले। पोस्टर की कीमत जानता है तू साले? पोस्टर के ऊपर पोस्टर चिपकाता है? इधर आओ तू साले। इलेक्शन के पोस्टर के ऊपर पोस्टर चिपका रहा है, जानता है इलेक्शन क्या होता है? कॉलेज का इलेक्शन क्या होता है जानता है तू साले? मारो साले को, मारो। छोड़ दे इसे, पहले पूछ तो सही कि इसने किया क्या है। कोई बात नहीं, अब चाहिए। अरे ये क्या सर, रास्ते में दुकान मकान कुछ भी दिखे वहाँ पोस्टर लगा देना। जाइए जी। ये क्या किया उसने? पोस्टर के ऊपर पोस्टर लगा दिया। क्या हुआ? क्या हुआ? कहाँ पोस्टर लगाया तूने? मेन मार्केट में। देख यार, कल जो पोस्टर लगाया था उसको किसी ने फाड़ दिया। अरे ये उन्हीं लोगों का काम होगा, अपने औकात दिखा दी उन लोगों ने। धुमलिर शांति रखो, इतने शेप में कटा हुआ देखकर तो मुझे लगता है ये पक्का अपोजिट पार्टी का ही काम है। अपोजिट पार्टी का काम है ये। ए फेंक ऊपर। अरे बड़ा वाला पोस्टर फेंक यार, बड़ा वाला पोस्टर। ए गम कहाँ है? अरे ये लेना बाबा। गम तो लगा। सुनो सुंदर लड़की, अपना वोट इन्हीं को देना है। जरूर दूंगी। इस टाइप की लड़कियों की बातों में मत आना, ये कहती कुछ है और करती कुछ है, बहुत डेंजर लड़कियाँ हैं ये। सुनिए, तू आ लगा। सुनिए, क्या हुआ? ऐसे लड़कों के साथ रहेंगे तो कभी नहीं जीतेंगे। सुना क्या बोल के गई वो? नादान है, इसकी बात का क्या बुरा मानना।
वासु, चाचा जी आए हैं, तुम्हें बुलाया है। ए, क्या हुआ वासु? चाचा जी उसी पार्टी में, शायद वहां गए होंगे। हमारे सामने दाल नहीं गली, इसलिए वहां चला गया। ए, अब हम लोग क्या करेंगे? बात करते हैं, देखते हैं क्या होता है। वासु, अंदर आओ। ये सब क्या पागलपन है? तुम ये क्या कर रहे हो? किससे पूछ के इलेक्शन में खड़े हो रहे हो? बदमाशों का सामना करोगे तो तुम पढ़ाई कब करोगे? अपना भविष्य बनाना है कि नहीं तुम्हें? ये लोग मेरे सामने ही देखो कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। तुम्हारे पिताजी को ये सब पता चलेगा तो बताओ उन्हें ये कैसा लगेगा? हमारी जाति के ही है, जान से मार देंगे वो। मैं उनकी पार्टी में हूँ इसलिए अच्छी तरह जानता हूँ कि कितने खतरनाक है वो लोग। थोड़ी देर में वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे, जितना भी संभाल सकता हूँ संभालूंगा। तो मेरे भाई के बेटे हो इसलिए ये सब कर रहा हूँ, लेकिन कुछ भी हो जाए चुप रहना, कुछ भी कहना मत। आओ आओ बेटा, पिताजी नहीं आए? पहुंचते ही होंगे। मेरा बच्चा मेरी बातें सुनता ही नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कहा हूं कि बच्चों को संभाल के रखा कर, रोड पे छोड़ देते। क्यों डांट रहे हो उसे? उसे क्या पता रोड और गाड़ियों के बारे में? अभी बच्चा है ना। मालिक आपकी शर्ट गीली हो गई। कोई बात नहीं, वो सूख जाएगी। देखो मेरे जाने के बाद बच्चे को डांटना नहीं। हां जी मालिक। अरे पांडे जी, तुम आजकल ऑफिस की तरफ नहीं आते हो? वो मालिक कुछ घरेलू काम तो जरूरी है भाई, काम निपटा कर जरूर आना। ठीक है मालिक। नमस्ते मालिक। हां चलो गाड़ी बढ़ाओ। तूने गाड़ी क्यों रोकी थी? अचानक बीच में बच्चा आ गया था। क्या हुआ? चढ़ा देनी थी, क्या फर्क पड़ता? जनसंख्या में कमी होती? ए, तू मेरे लिए काम करता है या उनके लिए करता है? क्यों रे, मेरी जान से ज्यादा उसकी जान की कीमत है? बता बता, मैं गाड़ी रोकती उसके लिए, काम आदमी के लिए? तेरे तो खैर नहीं, बताता हूँ तुझे। गाड़ी चलाता है जो सड़क है उस पे तो चलती नहीं है, और नई सड़कें चाहिए इसे। ए, ये मुझे मार डालेगा, ये मुझे मार डालेगा, ये मुझे नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। इसे निकालो, इसे अभी निकालो, बदल दो इसे। ए, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक मैंने कहा। ए, चल तू गाड़ी चला, तू चला। ए, अंदर का, बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल यहां से। कम्मा कहीं का, चल बड़ा। बच्चे पैदा कर देते हैं और सड़कों पर छोड़ देते हैं कमीने। यहाँ के लोग हमें ही वोट डालने वाले हैं। हाँ वोट हमें ही तो डालेंगे, अगर ये वोट नहीं होता ना तो एक एक को गाड़ी के नीचे कुचलवा देता मैं। पहले से इतनी परेशानियां, ऊपर से ये परेशानी। कौन है वो लड़का? अपना ही बच्चा है, भाई का बेटा है। नाम क्या है बेटा? वासु। पिताजी क्या करते हैं? चाय की दुकान है। हाँ? चाय की दुकान है। ये काम तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ये नहीं पड़ेगा तो राजनीति में आ जाएगा। तुम क्या कर लोगे? अपने बाप की तरह चाय की दुकान चलाओगे? हाँ चलाओगे। ये क्या कह रहे हैं यार, ये तो ठीक नहीं है। वासु, वासु मेरी बात सुन, तू इनकी बात मत माना। ये कौन है, ये लड़का कौन है? बाहर जाओ, बाहर जाओ। कहा ना बाहर जाओ, जब साहब बात कर रहे हैं तो तुम लोग बीच में क्यों बात कर रहे हो? चलो बाहर जाओ, बाहर निकलो, चलो निकलो यहाँ से। हम लोग बाहर वेट कर रहे हैं। संगत का असर है साहब, ये खुद खड़ा नहीं होना चाहता था, लोगों ने जबरदस्ती खड़ा कर दिया। इसके बाप तक को कुछ नहीं पता, लेकिन परेशान मत होइए, हम समझा लेंगे इसे, नाम वापस ले लेगा। क्या कह रहे? ए,
मैंने कहा था ना कि चुप रहना, कोई बात मत कर, मैं बात कर रहा हूँ ना। उसे भी बोलने दो, हम ही बोले जा रहे हैं, सुनते हैं हम भी इसकी बात को। ये क्या कहेगा साहब, हम जो फैसला करेंगे वो मान लेगा। तो अब क्या है, खत्म करो खेल। पिताजी टाइम खत्म हो गया है, नाम वापस नहीं ले सकता। पागल कहीं का, फिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया है टाइम पास करने के लिए? जब खुद ही सोल्यूशन निकालना था तो मुझे क्यों बुलाया यहाँ? फालतू का समय है मेरे पास। ये गवर्नर का पोस्ट है जो यहाँ पर पंचायत करा रहा है, जो ये हो गया वो हो गया, यहाँ हो गया ऐसा हो गया। चल बता आप मुझे क्या करना है, बता क्या करना है। एक मिनट साहब, नाराज मत होइए, आप बैठिए बैठिए। बेटा मुझे संभालना आता है, नाम वापस लेने की जरूरत भी नहीं है। तुम्हें यही चाहिए ना कि तुम जीत जाओ तो यही होगा। ए, तुम्हें जो वोट मिलने वाले हैं वो ऐसे डालने के लिए कहो। चाचा ये सब चुप, बस कुछ नहीं, बात खत्म हो गई। अब आपकी बेटे की जीत में कोई रुकावट नहीं, अब तो तुम खुश हो ना बेटा। अब तो खुश हो ना, एक ही पोस्ट के लिए लड़ रहे हो। देखा आपने, हमें बच्चों ने परेशान कर दिया, पहले कम परेशानी है, जो और परेशानी झेले। बेटा चलो हाथ मिलाओ, अब तो एक हो गए ना, चलो हाथ मिलाओ। बेटे तुम जीते हो या ये जीते, बात तो एक ही है ना, कल एक दूसरे से फिर मिलना ही मिलना है। हां ए चलो हाथ मिला, हाथ मिला, चलो बेटा हाथ मिलाओ। हाथ मिला ना। बच्चों में तो ये सब होता ही रहता है, आज लड़ेंगे कल एक हो जाएंगे। ये सब तो चलता ही रहता है। बहुत शर्म की बात है, मुझे पहले ही पता था ऐसा ही होगा। अरे नेता हो तो जान देने के लिए तैयार रहो, साला सब लोगों में चुप करा कर बात कर रहे हैं, हमारा उनसे क्या संबंध है? साला वो जो कहेंगे हम वही करेंगे क्या? ए, तू बकवास बंद कर। ए, हम लोग क्या करते, हम लोगों को तो बाहर भेज दिया था उसने, तो अब क्या करें? तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो सालों। छे शर्म आ रही है, सारी गलती तेरी है, कितनी मेहनत करके जगह जगह पोस्टर चिपकाए थे, अब आखिरी पल में तू नॉमिनेशन वापस ले रहा है। अरे यार अब तो हम कॉलेज में भी मुंह नहीं दिखा सकते। ए बकवास बंद करो, उसने तो मना किया था ना, हमने ही जबरदस्ती की थी, वो तो ना ही कह रहा था, तब भी तुम ही लोग बोल रहे थे, उसे कुछ नहीं बोलने दिया, अभी भी तुम ही लोग बक 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 कर रहे हो, इसे तो कुछ बोलने ही नहीं दे रहे हो तुम लोग। इसके पिताजी को पता चलेगा तो कितनी परेशानी होगी जानते हो, पहले से ही ये कितना परेशान है। चल छोड़ो, ए वासु चल चल, ए गाड़ी निकाल रहे। Amalgamation means two or more companies join together to form a new company. Excuse me, miss. Yes. फ्रेंड्स, जो वोट आप मुझे देने वाले थे वो चेलियन को देते ना। अरे बात कर रहा है, अरे ये ऐसे कैसे बात कर रहा है यार, वोट नहीं देना। फ्रेंड्स मेरी बात सुनो, जो वोट आप मुझे देने वाले थे वो चेलियन को देते ना। एक तो अपना नाम वापस ले लिया, ऊपर से हर क्लास में जाके बोल रहा है कि उसे वोट देना, पूरा सठिया गया साला। थैंक्स। चुनाव के परिणाम घोषित किए जा रहे हैं। वासु ने 285 वोट पाए हैं और वहीं चेलियन ने 290 वोट पाकर जीत हासिल कर ली है। नाम वापस लेने के बाद भी 285 लोगों ने वोट डाली है, अगर तुम खड़े होते तो तुम ही जीतते, इतने कम वोटों से जीता है फिर भी नाच रहा है, देखो। अबे किसको देख रहा है, अबे लो फूल तलो,
अबे घूरेगा घूरेगा तू इल्ले ले इल्ले अबे इलेक्शन लड़ेगा भाई के खिलाफ ये ले तेरी तो ये अबे क्या भोग रहा है ये इसकी दी हुई भीख है अगर ये खिला होता तो तुम लोग कभी नहीं जीतते भिखारी कहीं के ए भाई ये हम लोग को भिखारी बोल रहा है भाई इसकी तो ए मारो उन सबको अबे रुक क्या कर रहे हैं क्या रुक तभी तो रुक क्या मेन गेट बंद करते हैं एक भी कंपाउंड के बाहर ना जाने पाए ये मार दे 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 Thank you.
बहुत शर्म की बात है, बेइज्जती हो गई। सिर्फ 5 वोटों से जीते हैं हम। बहुत खुश हो गए ना? और तूने ये भी कहा कि ये तुम्हारी दी हुई भीख है, हा? जब मेरे बेटे ने कहा था उस समय नाम वापस ले लिया होता तो ये सब कुछ नहीं होता ना, हा? मैं ही बेवकूफ था जो तुमसे बात की। पुलिस से तुमने कहा कि मेरी पार्टी के गुंडों ने आकर के लड़ाई की। मेरे पार्टी के लोग तुम्हें गुंडे दिखते हैं क्या, हा? ए, तेरा चाचा हमारी पार्टी में है इसलिए तुम्हें छोड़ दिया, नहीं तो खत्म कर देता। तुमने सोचा कि नॉमिनेशन भर दोगे तो जीत जाओगे, यही सोचा था ना, हा? ये राजनीति का खेल है बेटा, खून बहाना पड़ता है। हमसे पंगा लोगे तो मरोगे। अब तुम शराफत से सारे केस वापस ले लो, नहीं तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। वासु कहाँ है? ऊपर है। क्या हुआ था, ये झगड़ा कैसे हुआ था? वो इलेक्शन में कुछ गड़बड़ हो गई थी इसलिए। कैसा इलेक्शन? कॉलेज का इलेक्शन। कॉलेज इलेक्शन से इसका क्या लेना देना? उसने बताया था कि ये सब आपको पसंद नहीं है, लेकिन हमने जबरदस्ती खड़ा कर दिया था। सोचा था जीतने के बाद बताएंगे, लेकिन गुंडे आके हमला कर दिए। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, कॉलेज इलेक्शन में गुंडों का क्या काम? वो MLA का बेटा भी खड़ा था ना, तो चाचा जी ने नाम वापस लेने के लिए कहा था। वो यहाँ क्यों आया? किसी काम का नहीं है, कई सालों से राजनीति में है, उसे बिल्कुल भी समझ नहीं है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम ही बताओ, कॉलेज इलेक्शन का राजनेताओं से क्या संबंध? अगर तुम लोगों में कुछ बात थी तो आपस में मिलकर सुलझाना था, वो यहाँ क्यों आया, हा? ये खड़ा होता तो जीत जाता, नाम वापस लेने के बाद भी 285 वोट मिले इसको। अरे खड़ा हुआ था तो आखिर तक इसे जाना चाहिए था, वापस क्यों आया? कोई बीमार कर जाए इसलिए पैदा नहीं किया है। आज तक मैंने भी हाथ नहीं उठाया, अभी इसको दवा दिया है या नहीं बताते क्यों नहीं? हाँ दे दी। सुई लगाई है? जी। हाँ? हाँ। मैं भी ऐसे ही आ गया हूं, ये लो। नहीं पैसे हैं हम लोग के पास। रख लो। हाँ। इसका ख्याल रखना। जी। ये लो, लो। क्यों रे, तुम तो कह रहे थे गुंडों ने आकर मारपीट की है, लेकिन पेपर में लिखा है लड़कों लड़कों में लड़ाई हो गई। सब ऐसे ही है, जो जैसा था वैसा ही है। जनता हर बार सोचती है कि क्या कोई अच्छा आदमी चुनकर नहीं आएगा, लेकिन हर बार आने वाला उन्हें धोखा ही देता है। मुझे राजनीति नहीं पसंद कहता हूं तो इसका मतलब है मुझे सड़ी गली गंदी राजनीति नहीं पसंद है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मुझे राजनीति नहीं पसंद है। तुम ही लोग बताओ, इस राज्य में चुनकर आने वाले नेता कोई सच्चे नेता हैं? सब के सब चोर हैं। चोरी करने वाला नेता बन जाता है और वही नेता चोर बन जाता है, बस यहां तो ऐसे ही चल रहा है। छे 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 छे। जहां जनसेवा की भावना होनी चाहिए वहां व्यापार बना दिया। बहुत हिम्मत वाली है, उसे स्कूल में आने के लिए मना किया था,
अब उसके घर तक आ गई। मैंने सुना है कि उसे बहुत चोट आई है, दिल नहीं माना इसीलिए देखने चली आई। यूनिफॉर्म पहनकर आने में मुझे बहुत डर लग रहा है, वापसी में दिखाऊंगी, देख लेना। तुम्हारी किस्मत में नीचे दुकान ऊपर मकान बस इतना ही कर सकती हूँ। तो उसे देखने के लिए तो यहाँ पर आई थी ना। ए, देख ऊपर खड़ा है। कहाँ? वहाँ ऊपर। देखा क्या? नहीं देखा। मैंने तुझे देखने के लिए कहा था ना। अरे वो मेरी तरफ नहीं देख रहा है। हम लोग फिर से वापस चलें क्या? ए, वापस चलना। सब लोग हमें ही देख रहे हैं, आज हमारी खैर नहीं। कोई नहीं देख रहा है, तुझे ही ऐसा लग रहा है। नहीं यार प्लीज चलना। हे, दुकान में जो खड़े हैं वही उसके पिता हैं। अरे उन्होंने तो देख लिया। देख लिया? उसने नहीं, उसके पिता ने। तूने उसे नहीं देखा? नहीं मैंने नहीं देखा। अब चलना, देख रहे हैं सब लोग, चलना। अबे पुलिस पुलिस का टेंशन मत ले, मैं देख लूंगा। हाँ ठीक है। ए क्या हुआ? कुछ नहीं। ए मैं फिर से कहता हूँ, पुलिस का पता कर लेना। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, तुमसे मिलने इतनी दूर चली आई थी, कम से कम एक बार मुड़कर तो देख सकते थे ना। Who is talking? पता है तुम्हें, तुम तो वहां आराम से हो, मैं यहाँ कितनी परेशान हूँ, तुम्हें एहसास ही नहीं। hey. मेरा चेहरा पसंद नहीं है, फिर भी काट काट कर सब जगह लगा कर देख रही हूँ, क्यों ऐसा? कौन आवाज कर रहा है? कुछ सुनाई दिया? कुछ सुनाई दिया क्या तुझे? हे, अचानक ऐसे बंद कर दोगी तो मेरा दम घुट जाएगा। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शांति से पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है? मैं ना
शर्माना अब कैसा। दूर रहो तुम दूर रहो, डर है मुझे खो होश मेरा। दिल में बसी है तू मेरे, आ जा अब हम मिल जाए। करके तकरार तेरा ये प्यार तुमको नहीं है खोना। मैं ना बना, मैं तेरी मैना, चाहत मेरी तू ही है ना। मैं ना मैना, ओ मैना, चाहत तेरी मैं हूं ना। तुझको देखा तो दिल ये धड़का है, तेरी बन के सितारे दिल पे जादू किया। मैना मैना, ओ मैना, चाहत तेरी मैं हूं ना। मैना मैना, ओ मैना, चाहत तेरी मैं हूं ना। आज की खास खबर, आने वाले जनवरी महीने में इस राज्य में विधानसभा के आम चुनाव कराए जाएंगे, ऐसा मुख्य चुनाव आयोग ने आज दिल्ली में घोषणा की। इसकी तारीख बाद में घोषित की जाएगी। चुनाव के बारे में फैसला लेने के लिए अगले हफ्ते सभी पार्टियों को बुलाया जाएगा। इस विधानसभा क्षेत्र में किस लिए चुनाव करा रहे हैं? लगातार वही जीतता आ रहा है, चुपचाप उसे ही विधायक बना दें। सर। यस। एक मिनट उमेश, रघु, अरुण, शेखर। सॉरी सर। मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूं। ए, अभी चुनाव खत्म हुआ है, लड़ाई झगड़ा खत्म हुआ है, अभी कॉलेज का इलेक्शन कहां से लड़ेगा तू? कॉलेज इलेक्शन नहीं, पब्लिक इलेक्शन। क्या कहा? पब्लिक इलेक्शन? ये क्या कह रहे हो तुम? तुमने ठीक सुना, जिस एरिया से वो 5 बार जीत चुका है उस एमएलए के खिलाफ मैं खुद निर्दलीय लड़ूंगा। क्या पागलों जैसी बात कर रहा है, हमारा राजनीति से क्या संबंध, हमें इसमें नहीं पढ़ना है। जब कॉलेज इलेक्शन का एक एमएलए से संबंध हो सकता है तो पब्लिक इलेक्शन से एक स्टूडेंट का संबंध क्यों नहीं हो सकता? कॉलेज के अंदर आकर राजनीति की, अब वो देखेंगे कि स्टूडेंट राजनीति में आकर क्या कर सकता है। हम उन्हें अपनी ताकत दिखाएंगे। ए, पागलों जैसी बात मत कर। ये देख, ये जख्म देख, देख रहा है ना, 10 दिन तक पैर लटका के हॉस्पिटल में पड़ा था, घुस के मारे अंदर। मत पड़ इसमें, वो सब गुंडे हैं यार। वो गुंडे हैं तो हम स्टूडेंट हैं। वो गुंडा भ्रष्ट नेता अगर लगातार 5 बार जीतता है तो हम 50 बार जीत सकते हैं। ए, ये सही कह रहा है, अगर वो मारते हैं तो हमें भागना नहीं चाहिए, पलटकर वार करना चाहिए। तू चल यार, मैं तेरे साथ हूँ। ए, जो वो कह रहा है तू भी उसकी हाँ में हाँ भर रहा है। राजनीति का मतलब जानता है? तुझे पता भी है उसके लिए बहुत पैसा चाहिए। सिनेमा तक देखने के लिए तो 500 रुपए लगते हैं यार, हम लोगों के पास पैसे कहाँ हैं? हम लोग मिडिल क्लास हैं। ए, चोरी करने वाले भ्रष्ट नेताओं को पैसों की जरूरत होती है। जो लोग सच्चाई की राह पर चलते हैं उन्हें पैसों की जरूरत नहीं, सिर्फ लोगों का साथ चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, एक एक स्टूडेंट 1-1 करोड़ के बराबर है। ये क्या पागलपन कर रहे हो? राजनीति का मतलब होता है भीड़। दुकान में बैठकर बात करने के लिए 10 लोग जमा कर सकते हो, सिनेमा जाने के लिए एक साथ 20 लोग जुट सकते हो। आज कितना खास दिन है, नॉमिनेशन भरने का दिन, भीड़ तो होनी चाहिए ना? नहीं भैया, अरुण से कहा था भीड़ जमा करने के लिए, पता नहीं क्या हुआ, सब बिगाड़ के रख दिया।
हे वासु चला ना। कहाँ? अरे आ तो सही। अरे कहाँ ले जा रहा है? ये सब कॉलेज के लड़के हैं, तुम्हारे सपोर्ट के लिए आए हैं यहाँ। सुनो, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों जमा है? अरे कॉलेज का लड़का है ना वासु, एमएलए के लिए नॉमिनेशन भरा है, इसलिए इतनी भीड़ जमा है। भैया उस लड़के ने इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन भरा है। किसने? भैया वही चाय वाले का लड़का वासु, जो आपसे मिलने भी आया था। तो क्या हुआ? नहीं, बहुत भीड़ जमा हुई है, बहुत स्टूडेंट्स आए हुए हैं भैया। भीड़ से क्या होता है? कुछ नहीं होता है। ये मेरा पुराना गढ़ है, ऊपर कोई भी पार्टी सरकार बनाए, यहाँ का एमएलए मैं हूँ। मुझे हिलाने वाला कोई भी नहीं है, उनको यहाँ पर एक भी वोट नहीं मिलेगा। कच्चा पहनने वाले लड़के हैं, चाय की दुकान पर राजनीति करते हैं, लेकिन राजनीति के बारे में नहीं पता। ए सुनो, आज के बाद यहाँ बैठकर चाय पीना, सिगरेट पीना, लड़कियों को बेल मारकर छेड़ना, ये सब यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये साइकिल की दुकान नहीं है, हमारी पार्टी का दफ्तर है, ठीक है ना? अरे भाई सुनो, यहाँ पर वासु कौन है? मेरा नाम राघव है, एक प्रिंटिंग प्रेस है मेरी। इस एमएलए के खिलाफ मैं 5 बार इलेक्शन लड़ा हूँ, लेकिन मैं कभी भी उससे जीत नहीं पाया हूँ। लेकिन फिर भी मैंने कभी दिल से हार नहीं मानी। मैं चाहता हूँ कि कोई तो इसके खिलाफ जीते और यहाँ पर बदलाव आए। और कल मैंने देखा, जब तुम लोग नॉमिनेशन भर रहे थे, तुम लोगों की आंखों में एक अजीब सी चमक देखी मैंने। सिक्का ऊपर उछालने से या तो हेड आता है या फिर टेल आता है, लेकिन उस एमएलए के कारण यहाँ के हालात बहुत ही बदतर हो गए हैं। लेकिन ये हालात हमें बदलने हैं। मैं उसे बहुत पहले से जानता हूँ। पहले वो सिनेमा थिएटर में टिकट ब्लैक करता था, उसके साथ ही वो देशी शराब भी बेचता था, ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन आज 2 थिएटर, 300 एकड़ जमीन, कार, बंगला, ये सब सुविधाएं कहाँ से आ गई उसके पास? ये सबको पता चलना चाहिए। आज तक उसकी टक्कर एक सही आदमी से नहीं हुई है, लेकिन आज उसने गलत जगह पर हाथ रख दिया है। मैं अंत तक तुम लोगों को अपना पूरा सहयोग दूंगा बेटा। इलेक्शन में जितने भी पोस्टर लगेंगे वो सब मैं अपनी प्रिंटिंग प्रेस में छाप कर दूंगा। इस बार हमें बदलाव लाना ही है। पहन के आ रहे हैं, गांव में तो ऐसा पहली बार हुआ है। क्या देख रहे हो तुम लोग? ये लोग कीचड़ में ही जीते हैं और कीचड़ में ही मरते हैं, यही है हमारे लोग और हमारी ताकत भी। पैंट ऊपर करके आ जाओ। ए वासु, अगर हम जीत गए ना तो यहाँ सब कुछ ठीक कर देंगे। अच्छा, आज से पहले जो वोट मांगने आए होंगे उन्होंने भी यही कहा होगा, हम पहले करते हैं फिर बोलेंगे। ये ठीक करने के लिए लाखों करोड़ों की जरूरत नहीं है। 4 लोग मिलकर 4-4 मुट्ठी मिट्टी भी डालेंगे ना तो ये जगह स्वर्ग बन जाएगी। चलो। We'll be right back.
हमें तो पता ही नहीं था कि इस जगह को इतना साफ रख सकते हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है। हमने तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ शुरुआत की, लेकिन अंत तो आप लोगों ने किया। वासु, यहाँ शुरुआत करने के लिए कोई चाहिए था। चलो आओ। नमस्ते, ये लीजिए। नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ कोई वोट डालने वाला नहीं है। क्यों, वोट क्यों नहीं डालेंगे? अरे क्यों वोट डालेंगे, 6 महीने से हमारे गांव में बस भी नहीं आई। ये आप क्या कह रहे हैं, ये तो मेन रोड है, यहाँ बस क्यों नहीं आई? अरे 4 गुंडों ने शराब पीकर बस जला दी, दूसरी बस ही नहीं आई, इसमें हमारी क्या गलती है? अगर किसी मुश्किल की घड़ी में बच्चों को लेकर अस्पताल जाना हो तो नदी से पार करके 4 कोस जाना पड़ता है। किसी और की गलती की सजा हमें भुगतनी पड़ रही है। हमारे गाँव से इस बार कोई वोट नहीं डालेगा, आप जाओ यहाँ से। सर, 1 मिनट। क्या बात है? इस रास्ते पर बस क्यों नहीं आती? ये तो मेन रूट है, आखिर उस गांव में बस क्यों नहीं जाती? तुम लोग कौन हो? हम स्टूडेंट्स हैं, मेरा नाम वासु है, MLA इलेक्शन में खड़ा हो रहा। सुनो, वो बहुत बुरे लोग हैं, किसी की जान का भरोसा नहीं है, बस यहाँ से निकलती नहीं है कि उसे जला दिया जाता है, और ऐसा कितनी बार हुआ है जानते हो? उस गांव के लिए मेरे पास आकर बात मत करना। सर 1 मिनट, ये कैसा गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं? किसी की गलती की सजा पूरे गांव वालों को देंगे आप? कुछ लोग नहीं, पूरा गांव ही ऐसा है। सर हम उनसे मिलकर ही आ रहे हैं, पूरे गांव पर इल्जाम मत लगाइए। सुनो, बोल दिया ना, लिखा है ना कि 6 महीने में बस आ जाएगी। बेकार की बातें मत कीजिए, गलती करने वालों को खुद गांव वाले पकड़वाने के लिए तैयार हैं। आप कह रहे हैं कि बसें चलाएंगे तो जाने जाएंगी, लेकिन बस ना चलाने पर 6 महीने में कितनी जाने जाएंगी इसका अंदाजा है आपको? गर्भवती औरतें और बीमार लोग क्या करेंगे? जो तुम कह रहे हो वो तुरंत नहीं हो सकता, अगर इतनी जल्दी तो बसें खड़ी है, चला सकते हो तो चला लो। है, सब लोग एक साथ आए हो? इसका नाम वासु है, इसका चुनाव चिन्ह मोमबत्ती छाप है, आप सबको वोट डालना है, बाद में हाथ कांपते हैं इसलिए वोट नहीं डाली, ऐसा कह के बहाना मत बनाना। ठीक है ना? मुझे लगता है हमें अपना काम करना चाहिए। तू देख ले तुझे क्या करना है, चलो यार यहाँ से। देखा कितनी भीड़ है, सब हमें वोट देंगे जी। भीड़ तो ठीक है, लेकिन यहाँ तो ट्रेंड ही बदल गया है, लड़के दूसरे ट्रैक पे जा रहे हैं। हम कहते हैं वोट दो काम करेंगे, लेकिन ये लोग तो काम करके वोट मांग रहे हैं। भैया लगता है हम लोगों ने गलत फैसला ले लिया है।
करते हो सर, बेकार में लड़कों को अरेस्ट क्यों किया? बीच सड़क पर मारते हुए ले आए? पुलिस के राजनेताओं की गुलामी करने के लिए होती है? लड़कों ने क्या गलती की थी? अगर गलती थी तो दोनों को अरेस्ट करके लाना चाहिए था। स्टूडेंट्स के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। ए, किसको कह रहा है स्टूडेंट? हैं? ए, लेकर आओ उनको। देखो, इनको तुम स्टूडेंट कहते हो? मार मार के लोगों का खून निकाल दिया। जरा इनके कपड़े देखो, इन्हें स्टूडेंट कहते हो? इन्हें गुंडागर्दी करने की आदत पड़ गई है। कितनी बार इनको अरेस्ट किया है लेकिन हर बार बाहर आ जाते हैं। इनके लिए MLA MP आकर खड़े हो जाते हैं। ये लोग गुंडे, बदमाश, चोर हैं। जिनसे तुम्हारा मुकाबला है उनमें और तुम में क्या फर्क है? तुम तो अभी राजनीति में बच्चे हो, तुम उनका क्या बिगाड़ सकते हो? तलवे चाटने पड़ते हैं उनके। क्यों चाटता हूं तलवे? हाँ, क्यों चाटता हूं? उसके जैसे लोगों के लिए दरवाजा खोलने में और सलाम ठोकने में शर्म आती है। तुम जैसे लोग अगर नेता बनेंगे तो सीना तानकर सलाम ठोकने में मुझे खुशी होगी। उनके सामने अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। सड़क पर हाथापाई करके जीतने को क्या तुम जीत कहोगे? यंग ब्लड हो, बेकार में लड़ाई झगड़ा मत करो। तुम्हारे अकेले ठीक होने से कुछ नहीं होता, तुम्हारे साथ के लोग भी ठीक होने चाहिए। अब सुनो, इलेक्शन खत्म होने तक तुम लोगों की वजह से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। मेरी बात मानोगे तो जीत जाओगे। बेस्ट ऑफ लक। जाओ, जाके अपना काम करो। अरे जाओ ना। दीनू, मेरा वोट तेरे लड़के के लिए ही है, तुम देख लेना। वो जीतेगा, वो जरूर जीतेगा। मेरा वोट उसी के लिए है। ए, संभाल कर, कहीं गिर ना जाना। मैं हाथ छोड़कर भी चला सकता हूँ। बेवड़ा कहीं का। ए वासु, तुम गांव में जाना। तुम्हें मारने का प्लान बनाया उन्होंने। वो सब एक ही जाति के लोग हैं, हमें वोट नहीं देंगे। मेरी बात मानो, तुम गांव में मत आना। ए, तुम लोग समझाओ ना इसको, नहीं तो मारा जाएगा। प्लीज वासु, तुम गांव में मत आना, वो लोग तुम्हें मार देंगे। मारने तो ए। मुझे मारने की कोशिश की, मेरे ऊपर एक खरोंच भी आई। अगर तूने मुझ पर हाथ उठाया और मेरी जान को खतरा हुआ तो इस क्षेत्र में चुनाव नहीं होगा। एक कैंडिडेट की जान को खतरा होता है तो इस इलाके में चुनाव नहीं होता। तेरा मालिक भी नहीं जीतेगा, मैं भी नहीं जीतूंगा। अगर फिर भी मारना है तो मार, मार। ताले तलवार लेकर आए फिर भी कुछ नहीं उखाड़ पाए। जा, तुझे एक भी वोट नहीं मिलेगा। इस गांव का कोई भी आदमी तुझे वोट नहीं देगा। जा। उसका फैसला लोग करेंगे, तुझ जैसे चार लोग नहीं। ये लोकतंत्र है। जाने कितने ऐसे ही तुझे इम्तिहान देने हैं। ऐसी राहें होंगी जिस पे तुझको चलना है। क्या खबर है? हम जीत जाएंगे ना? चांस ही नहीं है। क्या कह रहे हो? हम ही जीतेंगे। हर जगह का काम खूब बढ़िया से चल रहा है। उस दिन कहा, सारा ट्रेंड ही बदल रहा है। वो तो बदलेगा ही, समय के साथ तो बदलता ही है। अब देखिए, हमारा चुनाव चिन्ह है ना, बैठने की कुर्सी। अंदर जाते ही लोगों की मानसिकता बदल जाती है।
जैसे घर जाते ही लोग सोचते हैं कि ये खाऊं कि वो खाऊं क्या खाऊं। खाने बैठता हूं तो हलवा पूरी खाने को ही मन करता है। इसी तरह बूथ में आने तक सब कुछ उनके ध्यान में रहता है और बाद में वो सही इंसान को वोट देते हैं। हमारी जाति के जितने भी वोट हैं उनमें से एक भी वोट कहीं नहीं जाएगा। मालिक थोड़ा चुप रहेंगे क्या? मुझे बढ़ने नहीं दोगे ना? छोड़ा तो बढ़ जाएंगे। ए काहे की जाति, काहे की जाति, ये उनके भरोसे पे नहीं है, ये अपनी ताकत पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर साहब जी निर्दलीय भी लड़ गए ना तो सामने वाले की जमानत जब्त हो जाएगी। मेरे हिसाब से साहब जी 86,000 वोट से जीतेंगे। वो तो जीतना ही है। बिल्कुल सही कहा। मेरी बात का बुरा मत मानना लेकिन मुझे डर लग रहा है कहीं कुछ गड़बड़ हो गई भैया। तो बिल्ली आंख बंद करके दूध पीती है तो उसे लगता है कोई नहीं देख रहा है। उसी तरह से ये लोग बात कर रहे हैं। उन लड़कों की फोर्स और अप्रोच बिल्कुल अलग अलग है, इसीलिए भैया थोड़ा होशियार रहें। क्या यार तुम एक नई कहानी सुना रहे हो? ए, तुम लोग क्या बेमतलब की बातें कर रहे हो? ए, कौन वोट बदलेगा? क्या बकवास कर रहा है? शांत हो जाओ। तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दो, तुम अपना काम करते रहो। अगर तुम्हें लगता है कोई भी काम गलत हो रहा है तो मुझे बताओ। अरे बाबा ये आप क्या कर रहे हैं? बेटा खास जगह पर लगाना भूल गए। तीन सड़कें मिलती हैं यहाँ पर, यहाँ से बहुत सारे लोग गुजरते हैं, इसीलिए चिपका रहा हूँ। अच्छा नीचे उतर जाइए। ऊपर चढ़े कैसे? यहाँ पोस्टर लगाने के उत्साह में चढ़ तो गया हूँ, अब समझ में नहीं आ रहा कि उतरूं कैसे। जरा हाथ दो। आइए बाबा, आइए बाबा, संभल के आराम से। अरे मेरे पैर गंदे हैं, तुम्हें कॉलेज जाना है? अरे डरिए मत। अरे हम कॉलेज कहाँ जा रहे हैं, हम तो इससे ज्यादा ही घूम रहे हैं। रखिए कंधे पे। आ जाइए। ठीक है ठीक है, आ जाओ संभल के। संभल। अरे क्या हुआ? ये अंगूठी उल्टी हो गई, वही सर में लग गई होगी, सब इसके ही कारण हुआ है। इसके लिए जो मैंने अंगूठी ली थी उल्टा उसने मेरी ही उंगली में डाल दी है, उसे उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो चलो। अच्छा सब जगह पर पोस्टर होना चाहिए, ये तालाब के पास एक भी पोस्टर नहीं है, और ना ही गांधी पार्क के पास पोस्टर लगे हैं। हाँ। सब जगह लगा देना है, समझ गए ना? आप जाइए, हम संभाल लेंगे। मुझे दो, दो लीजिए बाबा, लीजिए। हाँ, अच्छा लग रहा है। वासु तुम्हें तुम्हारे चाचा ने बुलाया। पढ़ने लिखने वाले लड़के गुस्से में ये काम कर रहे हैं। काम भी बहुत किया है, पोस्टर छापे हैं और भी कई सारे काम किए हैं, काफी खर्च हुआ होगा, हमें बता दो। उसकी चिंता मत कीजिए, हम संभाल लेंगे। जो भी खर्च हुआ है हमें बता दो, उन सारे खर्चों से हम निपट लेंगे। तुम बताओ। मैंने कहा ना संभाल लूंगा, अब छोड़िए ना उसे। एक मिनट मैं बात करता हूँ। क्या कहा था आपने? मेरे साथ के लड़के ढंग के कपड़े पहनना नहीं जानते, उनमें से आधे वोट देने लायक नहीं है, तो फिर बुलाकर बात क्यों कर रहे हैं? हमारे पास नेताओं जैसे कपड़े नहीं है लेकिन वोट देने का अधिकार जरूर है। हम सबका परिवार है और हर परिवार के कितने वोट हैं जरा जोड़ कर देखिए। चाय की दुकान पर बैठकर राजनीति की बात कर सकते हैं, राजनीति नहीं कर सकते, यही कहा था ना? मैं आपको बताता हूँ, चाय की दुकान पर बैठकर मैं राजनीति करके बताऊंगा। क्या जानना था? मेरी कीमत जानना चाहता था ना? तेरी हार ही मेरी कीमत है। तू जानता है किससे बातें कर रहा है? अबे जानता हूँ, फिल्मों के टिकट ब्लैक करके देसी शराब बेच के सजा काटने वाले पटवर्धन से बात कर रहा हूँ। बहुत चिल्ला रहा है तू, इस उम्र में इतना चिल्ला सकता है तो सोच हम कितना चिल्ला सकते हैं। ये चीखना, लड़ना, मारना, धमकी देना सब अपने तक रख, हमको मत सुना। तेरी बर्बादी का एक एक दिन हमने तय कर लिया है। क्या कहा था तूने? खून की नदियां बहाएगा। खून इतना सस्ता नहीं है बे जो तू बहा लेगा, इस उम्र में हड्डियां जुड़ती नहीं है। हाँ।
उसने कहा था उसके साथ जवान खून है, मारो सालों को, देखते हैं किसका कितना खून निकलता है। हाँ हाँ ठीक है मैं संभाल लूंगा। अरे 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 हमें क्यों मार रहे हो? अरे कौन है लोग? अरे अरे ये भाई, अरे 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 ए, ए, अरे क्या सो रहा है? सब लोग कहाँ हैं? पता नहीं वासु। वासु, हा? वासु, वासु सबको मार दिया, सबके हाथ पांव तोड़ दिए वासु। बेटा, बेटा छोड़िए मुझे। बेटा आपको पता है उन्होंने क्या किया? देखो मैं सब जानता हूँ। हमारे लड़कों को मारा है। उन्होंने जो किया उन्हें करने दो। उनके हाथ पांव तोड़ दिए। तुम शांत हो जाओ वासु। देखो क्रांति खून से ही लिखी जाती है। उन्होंने जो खून बहाया है वो खून नहीं क्रांति का बीज है। डरने वाले की आवाज ज्यादा सुनाई देती है। वो डरने लगा है हम लोगों से। जिस दिन उसने तुम्हें बात करने के लिए बुलाया था वो उसी दिन तुमसे हार गया था, और ये मारपीट उसी का सबूत है। उसने बस स्टैंड गली का निकल और रेलवे स्टेशन पर मारा है, जिसे सब लोगों ने देखा है। उसकी असली हार मात्र वोट ही है बेटा। तुम जीत रहे हो, डंडा फेंको। वीरों का सबसे बड़ा हथियार धैर्य होता है बेटा। गांधी जी ने अगर डंडे को ऐसे न पकड़कर ऐसे पकड़ा होता तो आज हमारा देश आजाद नहीं होता। उसने अगर हथियार उठाया है तो जरूरी नहीं कि तुम भी उठाओ। डंडा फेंक दो बेटा, फेंक दो बेटा। लड़कों ने क्या गलती की थी? मुझ पर गुस्सा था तो मुझे मारते, एक आवाज देने पर मेरे साथ खड़े हो गए। पूरा खाना खाकर सोए हुए एक महीने से ज्यादा हो गया उनके साथ। कोई बात नहीं बेटा, मारने दो, हम सब मिलकर साथ में मारेंगे उन्हें। सब मेरी वजह से हुआ। नहीं नहीं वासु, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी जीत देखे बिना हम मरेंगे नहीं। चाहे आंसू आंख से टपके धुंधले होंगे ना सपने, अब तो आगे बढ़ना ही है, अपनी जीत है आगे। आपने देखा? बैठो। काशी तुम रहने दो। अरे यार ये कैसे उठ पाएगा? वो उठेगा, अपने आप उठेगा। ए, उठो, खड़े हो जाओ, उठो ना। ये पकड़ो, पकड़ो। चाहे आंख से आंसू टपके धुंधले होंगे ना सपने, अब तो आगे बढ़ना ही है, अपनी जीत है आगे। आ, 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 आ,
चाहे आंख से आंसू टपके धुंधले होंगे ना सपने, अब तो आगे बढ़ना ही है, अपनी जीत है आगे। सर हम लोग नए पत्रकार हैं, हम इस चुनाव के बारे में सर्वे करने आए हैं, आप इस चुनाव में सीनियर को वोट डालेंगे या जूनियर को? आप लोग नए पत्रकार हैं ना, हम सीनियर को नहीं जूनियर को ही वोट डालेंगे। बड़ी पार्टी का जुलूस है कहकर सब लोग आ जाते हैं, कोई दुकान बंद करने के लिए कहता है, कोई खोलने के लिए कहता है। ऑल्टरनेट नहीं होने की वजह से हम उसे ही वोट डाल रहे थे, लेकिन इस बार एक कॉलेज का लड़का खड़ा हुआ है, इस बार तो हम उसी को वोट देंगे। सर इस चुनाव में आप किसे वोट डालने वाले हैं? एक्सक्यूज मी, आप लोग किसे वोट डालेंगे? हम तो वोटर लिस्ट में ही नहीं है तो वोट कैसे करेंगे? वोट डालने के लिए नहीं कह रहा हूँ, एक क्षेत्र से कॉलेज का लड़का खड़ा हो रहा है इसीलिए पूछ रहा हूँ, कौन जीतेगा ये बताइए। इसे मालूम है, ये बताएगी। मुझे क्या पता, मैं कोई ज्योतिष थोड़ी हूँ। कोई बात नहीं, ऐसे ही बताइए। नाम लेने के लिए शर्मा रही है। चुप करना प्लीज, उन्हें बोलने दीजिए ना। अरे बोलिए ना आप, शर्माइए मत, बोलिए प्लीज। आखिर में कौन जीतता है? हीरो जीतता है ना? भाइयों और बहनों, आज मैं आप सबके सामने सिर्फ यही कहने के लिए आया हूँ, अखबारों में ये सर्वे आया है कि इस बार वही जीतने वाला है। सभी अखबार जला दो, एक भी अखबार इस एरिया में नहीं आना चाहिए। क्यों रे, तुम लोग क्रांति की बातें करके राजनीति में आए थे, अब चुनाव आते ही राजनेताओं की तरह खाना खिलाकर वोट मांगने वाले हो? भैया आसपास के सभी गांव और शहरों में सभी जूनियर विजन पत्रिका को जला दिया है, शहर में एक भी पत्रिका को आने नहीं दिया, इसलिए हम सीधे मेन ऑफिस से ही लेकर आए हैं, अब हम इसे घर घर खुद पहुँचाएंगे। मैंने जो भविष्यवाणी की वही हुआ। तुम तो पूरे 18 की भी नहीं, तो यहां क्या कर रही? वो मैं दादी माँ दादी के साथ आई। माता जी ये रही आपकी पर्ची, यहाँ पर लगाना है। हाँ। सुबह सुबह पी ली दिन? अरे सुबह सुबह ही चढ़ा लिया। नहीं ऐसी बात नहीं है कि मैंने चढ़ा ली। बस आ रही है। दिन अगर मैंने चढ़ा ली होती तो इतनी सुबह सुबह मैं यहाँ कैसे आता दिन? लेकिन मुझसे पहले ही किसी और ने यहाँ मेरी वोट डाल दी। हाँ ठीक है चलो। नहीं चलो चलो, नहीं गलत है,
मैं तो वोट डाल के जाऊंगा, मैं जरूर डालूंगा। अच्छा चलो यहाँ से। ऐसे ले चलो आप। तीनों तू गलत कर रहा है, एक वोट की वजह से हार और जीत होती है। अरे मैंने कहा ना चलो। अच्छा मुंह देख अपना, एक साल पहले पैदा हो सकती थी ना, अब तो मैं शादी भी नहीं कर सकती, वोट भी नहीं डाल सकती। कोई बात नहीं, मैंने तो फिर भी वोट डाल दिया है। सब लोग जीतने पर हार पहनाते हैं, मैंने फूल डाल दिया, ये भी वोट से कम नहीं। मुझको चुम्मा तो दे फिर दिखाऊंगा। चोरी 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 आया है तू चोरी करने को, हाँ चोरी करने आया है तू चोरी कर ले। लगती है जन्नत की कोई हुर लगती है, तू मेरी मस्त मोरनी चुम्मा दे दो। वैसे तो भोला बनता है हर दम इशारे करता है, क्या तू मुझ पे ही मरता है, बोलो बोलो। एक बार बोल दो तुम तो बस मेरी हो, तेरी खातिर आसमान से चंदा तारे लाऊंगा। दिल चुराने दिल चुरा के ना जाओ, तेरे मन में ही बस जाऊं तू जो मुझको मिल जाए। चोरी 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 सजनी सजनी। घर से बाहर जो आती हूँ तू मुझको देख लेता है, मेरे पीछे ही पड़ता है, हटना हटना। अब तू मेरे पास आ, तू ना मुझसे दूर जा, मैं सच कहता हूँ बिन तेरे अब मैं तो जी ना पाऊंगा। प्यार के वादे करके तोड़ तो नहीं दोगे ना, एक बार तू हाँ कह दे तुझको दिल में छुपा लूंगा। पागल पागल छोरी तेरा क्या कहना,
पहल मुझको चुम्मा तो दे फिर दिखाऊंगा। चोरी 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 चोरी। ए, याद है राघव सर क्या कहते थे? हर बार हमारे क्षेत्र में उल्टा ही हुआ है, आज पहली बार शुभ संकेत मिला है। पहले चरण के मतगणना में आर के प्रधान ने 8069 वोट और निर्दलीय उम्मीदवार वासु ने 20,650 वोट प्राप्त किए हैं। इस प्रकार वो 14,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। दूसरे चरण में इस विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार वासु अपने प्रतिद्वंद्वी आर के प्रधान से 25,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अगले चरण की मतगणना के अनुसार निर्दलीय उम्मीदवार वासु 48,000 वोटों से इस समय आगे चल रहे हैं। या निर्दलीय उम्मीदवार वासु 66,000 वोटों से इस समय आगे चल रहे हैं। इस समय चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और निर्दलीय उम्मीदवार वासु 85,000 वोटों से जीत गए हैं। प्रतिद्वंदी आर के प्रधान ये तो होना ही था। विधानसभा क्षेत्र से पहली बार हारे हैं। क्या हो गया? रो क्यों रहे हो? सब ठीक हो जाएगा। शांत हो जाओ ना, ठीक हो जाएगा। रोते नहीं, हम लोग हैं ना, हम लोग हैं ना। समझाओ। क्यों रो रहे हो? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मेरी बात समझो। ए, ए, रो क्यों रहा है तू? रो क्यों रहा है तू? तेरा बाप मर गया है क्या? बाप मर गया तेरा? एक छोटे लड़के ने तेरे बाप को हरा दिया और तू खड़ा होकर रो रहा है निकम्मा कहीं का। मैं हार गया, मैं हार गया, मैं हार गया। ये बात सबको पता चलनी चाहिए। एक भी आदमी सड़क पर पैदल नहीं चलना चाहिए। मार डालो, तोड़ डालो सबके हाथ पैर, मारो सबको, जाओ मारो। अरे ये तो गुंडा कर रही है। क्या कर रहे हैं? उनमें और हमें फर्क क्या थोड़ी होता है? अरे सर, आप देख रहे हैं किस तरह लोगों को मार रहे हैं और आप चुपचाप खड़े हैं। वहां निर्दोष लोगों का खून बहाया जा रहा है और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। वो हारा है पर सत्ता में उसकी पार्टी है, ऊपर से आदेश है, उसकी तरफ ध्यान मत दो। लोग चाहे मरे लेकिन आप ध्यान नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं दूंगा। Come on!
बोलो सर, स्टूडेंट्स लोग बीच सड़क पर मारपीट कर रहे हैं। ध्यान मत दो, मारने दो। गाना मारने दो, वहां से हट जाओ। सबको एक साथ जला दिया, सबको। इसे सबको कैसे हुआ? सब लड़कों को जला दिया। अपना अरुण, तुम्हारे जीत देखे बिना हम मरेंगे नहीं। नहीं देख पाएगा, मेरी बात मान, सब अपने ही लड़के सब। ये पता नहीं कौन है, ये अपना लड़का नहीं है, ये अपना लड़का नहीं है वासु, हम इसे नहीं पहचानते। काशी नहीं, काशी नहीं, राघव सर। राघव सर, राघव सर, राघव सर, रखे नहीं ये सब। ये कौन है? <हा? laughs>
इसके लिए जो मैंने अंगूठी ली थी उल्टा उसने मेरी ही उंगली में डाल दी है, उसे उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। बाबा, हेलो, एक मिनट, सीएम साहब का फोन है। हेलो, ये क्या कर रहा है? जब सरकार बनाने का समय आया तो ये सब तू गुंडागर्दी क्यों कर रहा है? कितने लोगों की जान गई है, ये सब क्या है? विधानसभा में क्या जवाब दूंगा मैं? तो क्या हो गया, आप जीत गए हैं इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं मुझसे? हार के दुख में लड़कों ने कुछ कर दिया तो क्या हो गया? आपके लिए एक को मारा, अपने लिए दो को मरवाया। आपके लिए किया तो राजनीति और अपने लिए किया तो खून हो गया। अब जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए, इस तरह की बातें हमारे लिए नहीं तो नहीं है। मैं बस इतना कह रहा हूँ, जो करना है कर, लेकिन इस समय क्यों? अरे पार्टी का नाम खराब होगा तो? आप इस बात से बेफिक्र रहिए, ना आपका नाम खराब होगा और ना पार्टी का। पर एक बात कहना चाहूंगा, यहाँ पर अब दोबारा चुनाव होगा। क्या क्या कर अंदर करे, पहले ही 7 लोग मारे गए हैं, उसे लेकर लड़के पहले ही बहुत गुस्से में हैं। अब अगर हमने कुछ किया तो आफत आ जाएगी। ए, 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 क्या बकबक कर रहा है? उनकी दुकान जली थी और वहीं सब मर गए, हमारा क्या दोष है उसमें? जीत गए तो पटाखे चलाए, हार गए तो बम फोड़ते। जाके कह देना पटाखे से आग लग गई थी, उसी में मर गए, जाओ बोल दो। इतने सालों की राजनीति का कोई मतलब नहीं रह गया, लेकिन आज उसे ऐसा मारो कि उसे पता चल जाए कि राजनीति में प्रवेश पाना इतना आसान नहीं होता। जाओ। साहब जी, मेरा एक ही बेटा था और उसी के भरोसे हमारा परिवार चल रहा था, अब मेरी इन दो बेटियों का क्या होगा? साहब जी आप ही बताइए। इस बात की अकल पहले होनी चाहिए थी, अब रोकर क्या फायदा, चलो दस्तखत करो। मुझे दस्तखत करना नहीं आता साहब जी, हम लोग अनपढ़ हैं, इसीलिए उसे पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन उसने उसे जलाकर मार डाला। मुजरिम वासु पर आम जनता में शांति भंग करके गैर इरादतन हत्या का इल्जाम साबित होता है और बिना इजाजत के विस्फोटक रखने जैसे इल्जाम भी साबित हुए हैं, इसीलिए मुजरिम वासु को ये कोर्ट ताजरात हिंद के तहत 7 साल की सजा सुनाती है और कोर्ट चुनाव आयोग से ये भी सिफारिश करती है कि उनकी जीत को रद्द करते हुए इस चुनाव क्षेत्र में फिर से चुनाव कराए जाएं। अरे भैया वो वाली फाइल तो ले आओ। अरे हाँ हाँ, न सिर्फ जला है बल्कि सारा इल्जाम हम लोगों पर डाल दिया। मरने वालों को मुआवजा देंगे कहकर मरने का कारण तुम हो ये कहकर दस्तखत ले लिए सबके। ए, इस सब लड़ाई झगड़े का जवाब देना होगा। अब और सहन नहीं होता, तुम्हें बताओ हम जिंदा क्यों रहे तुम्हें इस हालत में देखने के लिए? जब तक तुम बाहर नहीं आ जाते मैं शादी भी नहीं करूंगा, बच्चे भी पैदा नहीं करूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। तू देख लेना, तू बाहर आ फिर सबको देख लेंगे। हम लोग भी शांत नहीं रहने वाले हैं, अभी किसी को चाकू मार के अंदर आते हम सब अंदर आते। ए, तू फिक्र मत कर वासु, हम सब तेरे साथ हैं। वासु वासु तू चिंता मत कर वासु, वासु 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 घबराना नहीं, वासु मत कर वासु, वासु तू जल्दी छूट जाएगा वासु, हम लोग हैं ना वासु। वासु
सुनो तो, फूल भगवान पर डालकर अपने माथे पर हाथ क्यों मारा? ऐसा करने से मन की इच्छा पूरी होती है। ये किसने कहा तुमसे? सब कहते हैं, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, ये एक उपाय है। तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, ये उपाय बने हुए 2 घंटे हुए हैं। क्या कह रहे हो? तुम्हें बुलाने के लिए फूल डाला, वो एक दूसरी औरत पर जा गिरा, उससे बचने के लिए एक और फूल उठाकर भगवान पर डाल दिया और रिवाज बन गया। अरे अरे, ये तो गलत बात है। कुछ भी गलत नहीं है, सभी रिवाजों को हम ही ने बनाया। वो देखो, उस आदमी को देख रही हो? किसी ने अपने लवर को बुलाने के लिए ऐसे ही कुछ किया होगा, पर आज वो एक रिवाज बन गया। ऐसी बातें मत करो, भगवान नाराज हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, ये जो संप्रदाय वाले होते हैं ना, वही सब कुछ करते हैं। ये शास्त्र जो होते हैं ना, वो इंसान ही लिखता है। ये क्या है? ये तो धागा है। गले में पहना तो मंगलसूत्र बनता है। हाथ में बांधने से? हाथ में बांधने से सगाई होती है। ये धागा कहीं भी बंधा हो, इसे एक अटूट बंधन माना जाता है। हमारे संप्रदाय में इस धागे का महत्व है। बांधो क्या? अरे अरे, क्यों डर गई क्या? मतलब मुझ पर विश्वास नहीं? ये क्या, अंधेरे में क्यों बैठे हो बासु? ये लो खाओ। क्या हुआ? ए, बताना क्या हुआ? उस लड़की को देखा। किसे, कहां देखा? बाजार में, भावना को। हाथ में बच्चा था उसके। सबको अपनी जिंदगी प्यारी है। मैंने कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर ली थी। किसी से इतनी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। पागलों की तरह बात मत करो। दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है। उसके हाथ में बच्चा था, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसका बच्चा था। वो उस लड़की की बहन का बच्चा है। वो 5 बार अपनी शादी रुकवा चुकी है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये तुम क्या कह रहे हो काशी? मैं उसे अभी मिलना चाहता हूं। तो जाना, मिलकर आ। क्या हुआ? मैं क्या मुंह लेकर उसके पास जाऊं? गली गली चाकू लेकर घूमता हूं, बदला लेने के लिए तड़प रहा हूं। मैं खुद नहीं जानता कि कब जेल की सलाखों के पीछे चला जाऊंगा। पता नहीं कब मेरा काम खत्म होगा, इसमें सालों लग सकते हैं। जाने दो, मुझे नहीं मिलना उससे। तो फिर उस लड़की का क्या होगा? वो भी बदल जाएगी। मेरे सारे दोस्त, हर कोई बदल गया। वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ। रामेश्वरम से नासिक जाने वाली 0212 डाउन नासिक एक्सप्रेस थोड़े ही समय में प्लेटफॉर्म नंबर 2 से रवाना होगी। धन्यवाद।
आप जाइए। क्या भाई, क्यों परेशान कर रहे हो? बैग में कुछ भी नहीं है। अरे इसमें क्या ढूंढ रहे हो? हम क्या तुम्हें चोर दिखाई देते हैं? अरे इसमें कुछ भी नहीं है, बेकार में लोगों को परेशान करते हो। अरे देख लो, अच्छी तरह देख लो, मैं यहीं पर खड़ा हूँ। वो बैग दिखाओ। अरे इसमें खाना है भाई, लो देख लो। सर आप जाइए ना। आज किसका चेहरा देखा था पता नहीं। हाँ देख लो देख लो सर। अरे अब गाड़ी का टाइम हो गया, जाने सर, दो हमें। आप जाइए ना। अरे जाने दो ना भाई, क्यों परेशान करते हो? इसका कलर कुछ अजीब लग रहा है। क्या कहा? वो क्या पागल हो गए? ये तूने कहाँ से खरीदी? जो मेन शॉप। अच्छा तब ठीक है। क्यों सर, बहुत टेंशन में लग रहे हैं, कोई परेशानी है क्या? कहाँ जा रहे हैं आप? मैं कहाँ जा रहे हैं ये पूछा। नासिक। अच्छा नासिक। कहाँ से खरीद कर लाए हो यार, बिल्कुल बेकार है। आपने ही तो कहा था सर कि जुबैन वाइन शॉप से खरीद के लाना। इतनी पी ली लेकिन अभी तक चढ़ी नहीं यार। क्या रे, तूने साहब को चाय दी थी क्या? दारू मिलेगा क्या? ये सब यहाँ नहीं मिलता है। कौन सी लाऊं सर? कोई बात नहीं, छुट्टे रख ले। ओहो घंटी बज गई थी, पी लो ऐश करो। देखिए कूद गया। कूद गया सर। सर प्रॉब्लम क्या है? अरे नेताजी को मारने की कोशिश की। हाँ।
सर हम हैं सर। हम माने कौन? आपका बॉडीगार्ड। कौन हो तुम लोग? सर हम लोग हैं ना, बाहर आइए। कोई बात नहीं सर, आप बाहर आइए। उसे पकड़ लिया? नहीं सर, वो कूद कर भाग गया। बात तो ऐसे करो जैसे उसे पकड़ लिया हो। तुम लोगों को तो सब एक नंबर के निकम्मे हैं। अब तक तो विधानसभा में कपड़े फट रहे थे, आज तो रास्ते फट गए। देख कर पकड़ कमीने। सर वो कैसा दिखता था? वो अगर सामने आए तो आप उसे पहचान लेंगे ना? एक आदमी चाकू लेकर आए तो उसका चेहरा दिखूंगा? पुलिस की भर्ती कर रहा हूँ क्या? चल जाए यहाँ से। उसे तो छोड़ दिया और मुझसे ऐसे सवाल पूछ रहा है जैसे कि मुझे मैं ही हूँ। घर के कुत्ते को भेजा होता तो वो भी अब तक पकड़ करके ले आया होता। अब अगर कुछ पूछना हो तो उसे पकड़ने के बाद ही पूछना। जाओ। अरे कम से कम तू तो देख कर पकड़। चार दीवारी में होता तो शायद मैं भी तेरी तरह हो जाता, लेकिन क्या करूं, सब कुछ बदल गया। पिताजी की मौत, बहन की शादी, घर की जिम्मेदारियां, इन सब ने मुझे बदल दिया। बुरा मत मानना, सॉरी दोस्त। कोई बात नहीं, चल छोड़ यार। अच्छा ये बता तेरे बच्चे कितने हैं? दो बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं। यार भावना से मिला? तू 7 साल जेल में था तो भावना से नहीं मिल पाया, ये ठीक है। बाहर आए 7 दिन हो गए और अब तक उससे नहीं मिला। उसे पता चला तो वो सह नहीं पाएगी। तू उसके साथ रहे या ना रहे, कम से कम एक बार अपने दिल की बात तो बता दे, उसे इससे तसल्ली मिलेगी। सुन वो तेरा इंतजार कर रही है, जा जा कर मिल। मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो मुझे माफ कर देना। ठीक है तुम जाओ यहां से, ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। तुम जाओ, मैं ठीक हूं। से क्या पूछते हो? तुम बताओ, कितनी बार बता चुकी हूं, तुम भी ना सब भूल जाते हो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। हाँ सच कह रही हूं, मुझसे नहीं होगा, मैं ये सब बिल्कुल नहीं कर सकती हूं। क्या हुआ था? अचानक से तुम चले भी गए। ओह मैं जानती थी। मैंने तुम्हें 100 बार देखा है, लेकिन जानती थी किसी ना किसी दिन आकर खड़े हो जाओगे। मेरे पिताजी सोचते हैं कि मेरे पूरे घर में दीप रखे हुए हैं, लेकिन मेरी बेटी किसी के घर का दीपक कब जलाएगी पता नहीं। मैंने शादी नहीं की, अकेले में पागलों की तरह बातें करती रहती हूँ। शास्त्र और संप्रदाय तो सब हमारे बनाए हुए हैं,
हमारी सहूलियतों के लिए सिर्फ गले में ही पहनने से मंगलसूत्र नहीं बनता। मेरे लिए तो हाथ में बंधा हुआ धागा भी मंगलसूत्र ही है। मैं कैसे समझाती कि मेरे पति जेल में हैं, इतने साल बाद वापस आएंगे और मैं उनका इंतजार करूंगी। मैं जानती थी कि तुम जरूर आओगे। इंतजार का फल बहुत मीठा होता है। मैं जो काम करने वाला हूं उसके बाद मुझे पता नहीं कि मैं वापस आऊंगा या नहीं। शायद कभी ना आऊं। नहीं, तुम आओगे, तुम जरूर आओगे। जब अचानक से मैं इसी तरह मुड़कर देखूंगी तो तुम खड़े दिखाई दोगे। मुझे भरोसा है तुम जरूर आओगे। मंदिर गया था वासु, अब सब कुछ भूल जाओ, उन सारी बातों पर मिट्टी डाल दो। ऐसे लोगों को भगवान खुद देख लेगा। कौन सा भगवान? जिनके हाथ में त्रिशूल है वो, या फिर जिनके हाथ में चक्र है वो? कौन सा भगवान? मेरा भगवान यहां है, जिसे 7 साल से पूछ रहा हूं और जिसने मुझे आदेश दिया है कि ऐसे लोगों का अंत करना ही मेरा धर्म है। वही न्याय होगा, वही धर्म होगा, उसे मरना होगा। वो मर गया तो सब ठीक हो जाएगा क्या? उसके जैसे लोग दुनिया में हजारों लाखों हैं वासु, उनका कुछ नहीं किया जा सकता। लोगों को इन सब की आदत पड़ गई है। वो चला गया तो उसकी जगह कोई और आ जाएगा। तुम जेल में थे, अगर तब वो मर गया होता तो तुम जाकर उसकी समाधि से लड़ते? रहने दो बेटा। उस जैसे लोगों को अगर बख्श दूंगा तो देश तबाह हो जाएगा। हाँ, अगर वो मर जाएगा तो कोई और आ जाएगा, लेकिन अच्छाई भी तो खत्म नहीं होती ना। हाँ, मुझ जैसा भी कोई और पैदा होगा। उसके जैसे हजारों लाखों होंगे, लेकिन मुझ जैसा भी एक पैदा होगा जो क्रांति लाएगा उन्हें खत्म करके। पैर से टकराने वाले पत्थर को या चुभने वाले कांटे को निकालकर फेंक देना चाहिए, उसे अनदेखा कभी नहीं करना चाहिए। मैं अपनी जगह साफ करने आया हूं और वही कर रहा हूं। तुम्हारे जीवन का क्या होगा? मैं तुम्हें फिर से पहले की तरह देखना चाहता हूं, और अब तो भावना भी है। 7 साल की जिंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन वो 7 साल से जिंदा है, अब वो एक दिन, एक घंटा या एक पल भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। मैं एक नया बीज बोना चाहता हूं, जिसके लिए जमीन को साफ करना होगा। अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है जो रुकेगी नहीं। बंदोबस्त पक्का है ना? किसी पर भी शक हो तो उसे तुरंत अंदर कर दो। समझिए,
सीढ़ियां किसने बनाई? सब लोग देख रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। मेरी जान चली जाती कल पेपर में आता मंत्री का पैर फिसल गया, सब मुझे हार पहनाते। कम करिए, माला पहनाइए। अरे तुम भी कमाल करते हो। माननीय नेताजी ने माल्या अर्पण कर दिया। सर सर बात तो सुनिए, हटो, सभा कैंसिल कर दो। वहाँ क्या हो रहा है? देखिए स्टेज की सीढ़ी टूटी हुई है, नेताजी बहुत टेंशन में इसलिए भाषण नहीं दे रहे, पार्टी ऑफिस जा रहे हैं। वो सीढ़ी किसने बनाई थी? मुझे बेइज्जत करने का काम करते हो? अगर कोई ऊपर आया ना तो जान से मार दूंगा। 10 मिनट में सीढ़ी बनाने वाला यहाँ होना चाहिए, समझे? बेटा बहुत टेंशन में, जाके समझाओ। क्या कहा? मैं क्यों संभालू? गलती तुम लोगों ने की है, तुम ही लोग संभालो। मेरी बात मानो बेटा, जाके समझाओ ना। निकम्मे सब, मुझे बेइज्जत कर दिया सबके सामने, अब तो किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। बेकार सीढ़ियां भी होती हैं, किस पागल ने बनाई थी? वही था पिताजी। हाँ, बिल्कुल पिताजी। क्या हुआ पिताजी? हाँ, वही था बिल्कुल वही था। हाँ, पिताजी पिताजी क्या हुआ बताइए तो। क्या नाम था उसका? अरे बताइए ना। अरे मैं भूल रहा हूँ, क्या नाम था उसका? बोलिए ना। वही था। क्या नाम था उसका? हाँ बोलिए, कौन है? अरे मैं भूल गया, कौन है बताइए। क्या नाम था उसका? ए, बाहर कैसी आवाजें आ रही हैं? पता नहीं। अच्छा तू कौन है? मंच की सीढ़ियां मैंने ही बनाई थी, नेताजी ने बुलाया। अच्छा तो तू वही है, तेरे को ही ढूंढ रहे हैं, जा जल्दी से, तेरी खैर नहीं है आज। पिताजी जल्दी बताइए, बताइए बताइए ना। अरे नाम का बोलिए। अरे बुलाओ बुलाओ सबको, बुलाओ बुलाओ सबको। ये वासु, यही था वो। आप ऊपर जाइए ना साहब। वो पहले से टेंशन में, खून भी हो गया तो भी नहीं जाऊंगा मैं।
मुझे मत मारो छोड़ दो मुझे इनके ही वोटो ने तुझे जिताया ना, आज अगर यही लोग कहते कि तुझे छोड़ दूं, तो छोड़ दूंगा। सन, तेरी सलामती के लिए अगर एक वोट भी पड़ जाए तो तुझे बख्श दूंगा। तेरी जिंदगी की दुआ में एक वोट भी पड़ जाए तो तुझे छोड़ दूंगा। मांग भीख। चल अपनी जिंदगी की भीख मांग। चल मांग। मुझे छुड़ा, गिड़गिड़ा, मुझे बचा लो, लोगों के पैर पकड़, बचा लो मुझे भगवान। चल को मुझे छोड़ दे, कोई तो बोलो। उनके दल पे चार, मुझे छोड़ने के लिए को बोल, आप कोई तो बोल, बोल, बोल। इस भीड़ में से अगर किसी एक की मदद तूने की होती तो आज तेरी मदद करने 10 लोग आ जाते। इनकी तरक्की के लिए अगर एक कदम तूने बढ़ाया होता तो आज 10 कदम आगे बढ़ जाते। इनमें से अगर किसी के लिए तूने आवाज उठाई होती तो आज ये सब तेरे लिए आवाज उठाते। तेरा टाइम पूरा हो चुका है। किसने मारा, किसने मारा इनको, हैं? बोलो किसने मारा? इतने लोगों के सामने मारा है इन्हें, कोई बोलता क्यों नहीं? किसने मारा इनको? तुम्हारा मंत्री है ना ये, तो बोलते क्यों नहीं हो? जल्दी बताओ किसने मारा इन्हें, बोलो, कोई तो बोलो। मर क्या कमीना, यही होना था तेरा। ए,
बोलो किसने मारा इसे? हैं? कोई मुंह नहीं खोलेगा? कोई नहीं बोलेगा, तेरी मौत से सब खुश हैं। बोलते क्यों नहीं? किसने मारा इनको? कोई तो बोलो, हैं? ए, तू बताएगा क्या? किसने मारा इनको? कोर्ट के चक्कर में पड़ेगा, चल निकल यहाँ से, लफड़े में मत पार, चल, चल। ए, ए चलो रे, चलो, अब जाओ यहाँ से। ए, तमाशा चल रहा है क्या? जाओ जाओ, अपना काम करो, जाओ यहाँ से, जाओ। ए, जाओ। ए, ए। मुकम्मल गवाह और सबूत न होने के कारण मुकदमे को अदालत बर्खास्त करती है।